झुंझुनू के खेतड़ी नगर में केसीसी के कपड़ा व्यापारियों ने उपखंड अधिकारियों को कपड़े की दुकान खोलने की इजाज़त के लिए ईमेल द्वारा ज्ञापन भेजा है। व्यापारियों ने बताया पिछले 2 माह से कपड़े की दुकान बंद होने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। व्यापारियों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, जबकि अन्य दुकानें खोलने के आदेश हो गए हैं, सिर्फ कपड़े की दुकानें ही बंद बची है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीन व ऑरेंज इलाके में कपड़े की दुकान खोलने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन कलेक्टर ने खेतड़ी क्षेत्र के कपड़ा व्यापारियों को दुकान खोलने की इजाज़त अभी भी नहीं मिली है। कपड़े की दुकान में 2 महीने से किराया भी मालिकों का चढ़ा हुआ है। अब अगर आगे दुकानें नहीं खुलती है तो व्यापारियों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। न तो दुकान का किराया दिया जाएगा और घर में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, इसलिए तुरंत ही दुकान खुलवाने की मांग की। राज्य सरकार द्वारा राजेश जी उसके तहत सभी जगह दुकानें खोल दी गई हैं। केवल झुंझुनू जिला कलेक्टर द्वारा खेतड़ी नगर की दुकानें ऑरेंज जोन होने के बाद बंद करने के आदेश दिए हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी दुकानें खोलने की अनुमति दें। उसके तहत जगदम्बा मार्केट द्वारा हम सभी दुकानदार एसडीएम साहब के घर पे गए थे और दुकान खोलने की अनुमति मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि आप ईमेल भेजिए मेरे पास में, दुकान खोलने की अनुमति के लिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ। इस संबंध में हम उनको एक ज्ञापन देने जा रहे हैं।